ट्रिपल सी एडवांस कोर्स का एपिसोड नंबर 11 आज है। आज 11 वीडियो में, आज ट्रिपल सी एडवांस कोर्स का 11 वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को हमेशा की तरह बिना किसी बकवास के स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस के बारे में, जिनमें में शायद आपने कुछ को सुना होगा, जिनके बारे में आप कुछ जानते भी नहीं होंगे शायद। तो जैसा कि इस वीडियो का नाम ही, जैसा कि इस कोर्स का जो मैंने नाम ही रखा है ट्रिपल सी एडवांस कोर्स, तो क्यों ना हम एडवांस लेवल की ही बातें करें, छोटी मोटी बातें नहीं करें। हम इस कोर्स का नाम रखे हैं ट्रिपल सी एडवांस कोर्स। जिस बुक से मैं पढ़ाता हूं, उस बुक को यदि परचेज करना चाहो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एक बार चेकआउट जरूर करें और उस बुक के बारे में पढ़ें। चलिए नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इनपुट डिवाइसेस। देखिए इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो आपके कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को भेजने का काम करती हैं। आपके द्वारा दिए गए इनपुट को सीपीयू में भेजने का काम जो है इनपुट डिवाइसेस करती हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे जो है हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं, बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहला आ जाता है इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड। कीबोर्ड देखिए बहुत तरीके के कीबोर्ड होते हैं, ठीक है ना। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से हम कोई भी डेटा कंप्यूटर में जो है इंटर करते हैं। अब वो डेटा किस तरीके का हो सकता है, वो जो है की के द्वारा, की प्रेस कर करके, यानी कि बटने दबा दबा करके हम कोई भी लेटर, नंबर, कैरेक्टर एंड कोई भी फंक्शन हम कीबोर्ड के द्वारा यूएसबी या यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करके, या ब्लूटूथ डिवाइस फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। आजकल जो कीबोर्ड है ना, दो तरीके के आते हैं, एक यूएसबी के थ्रू कनेक्ट होते हैं सीपीयू से, और दूसरे आते हैं ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट होने वाले, तो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं। तो दो तरीके के कीबोर्ड आते हैं, ठीक है। अब कीबोर्ड की बात कर लेते हैं कि इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए कीबोर्ड जो है ना बहुत टाइप्स के आते हैं, तो इनमें मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से टाइप। एक ये वाला कीबोर्ड है जिसका टाइप है क्वेरटी कीबोर्ड। अब इस क्वेरटी कीबोर्ड आपने अक्सर हर जगह यही वाला कीबोर्ड देखा होगा, कौन सा, क्वेरटी कीबोर्ड। क्वेरटी कीबोर्ड की खासियत क्या है, इसमें जो ऑर्डर है, जो स्पेलिंग का ऑर्डर है, वो कुछ इस तरीके से होता है QWERTY, जो आजकल आप देखते हो हर जगह, वो क्वेरटी कीबोर्ड ही होते हैं, ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज कीबोर्ड विद कंप्यूटर्स इन मॉडर्न टाइम्स, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यही यूज होता है, मेरे पास भी दरअसल यही है। इट इज नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट सिक्स लेटर ऑफ द टॉप रो ऑफ बटन। तो यहाँ पे जो है इसका नाम देखिए ऐसे रखा गया है कि इसकी जो टॉप रो है, ठीक है ना, टॉप रो में जो इसकी सिक्स बटन है, तो उसी के आधार पे इसका नाम रखा गया। यदि आप डिटेल में इसको समझना चाहें तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एक बार चेकआउट तो जरूरी करें। फिर दूसरा एक कीबोर्ड आता है, उसमें जो ऑर्डर है ना स्पेलिंग का, या फिर जो लेटर होते हैं उसमें ऑर्डर जो है, अजॉरिटी कीबोर्ड इसको कहते हैं। इसमें अजॉरिटी, इसका जो टॉप रो होता है उसमें अजॉरिटी की तरीके से स्पेलिंग अरेंज रहती है, ठीक है। और ये जो है फ्रेंच कीबोर्ड माना जाता है, इसका स्टैंडर्ड जो है वो फ्रेंच कीबोर्ड का है, ठीक है। तो ये है, तो ये जो था क्वेरटी कीबोर्ड, ये लैटिन बेस्ड अल्फाबेट थे, ठीक है ना। और इसमें क्या है, ये फ्रेंच कीबोर्ड है अजॉरिटी कीबोर्ड। इट इज डेवलप्ड इन फ्रांस, ये डेवलप किया गया था फ्रांस में, अल्टरनेटिव है ये किसका, क्वेरटी कीबोर्ड का, ठीक है, फ्रांस का है, और अदर यूरोपियन कंट्री में भी चलता है। तो दो कीबोर्ड मैंने आपके बता दिए, ठीक है। थर्ड कीबोर्ड आता है आपका डोरा कीबोर्ड। इसमें जो है ना, इसमें जो अल्फाबेट्स होते हैं आपके कुछ इस तरीके से डिजाइन रहते हैं, ठीक है। और इस टाइप का जो डेवलपिंग है वो देखिए फिंगर के मूवमेंट के द्वारा होती है, ठीक है। आपको देखिए इस तरीके का कीबोर्ड होता है, ठीक है। तीन तरीके के मैंने आपको कीबोर्ड बता दिए हैं, तो ये होते हैं डोरा कीबोर्ड। और दरअसल कीबोर्ड का देखा जाए तो इसमें बस जो स्पेलिंग है उनका अरेंज जो है वो उधर उधर कर दिया गया है, और कीबोर्ड बस वही है। अब हम कीबोर्ड के बेस पर कुछ नोट देख लेते हैं कीबोर्ड के ऊपर। तो ये कीबोर्ड के इन्वेंटर माने जाते हैं क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। इन्होंने 1878 में कीबोर्ड का इन्वेंशन किया। और एक साधारण कीबोर्ड में 104 से 109 बटने होती हैं, ठीक है। ऑन की प्रेस इट्स, देखिए जब कोई भी आप की प्रेस करते हो कीबोर्ड में, तो ये एक कोड भेजता है जिसका नाम है एस्क सेकेंड, जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज टू द सीपीयू। सीपीयू को एक कोड भेजता है जिसका नाम है एस्क सेकेंड, ठीक है, जब आप कोई भी की जो है प्रेस करते हो। अब हम दूसरा कीबोर्ड, अब हम दूसरा इनपुट डिवाइस देखने वाले हैं माउस। तो माउस भी जो है एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसके द्वारा हम कोई भी, जैसे ड्रैग करना, इधर उधर मूव करना, कोई भी चीज आपको मॉनिटर में उधर उधर मूव करना, ये सब माउस का काम होता है।
यह एक हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस है, यह हाथ के द्वारा ऑपरेट की जाती है। विच इज यूज टू मूव कर्सर आर पॉइंटर, ये कर्सर या पॉइंटर को मूव करने के लिए, जैसे मैं आप अभी चला रहा हूँ कर्सर या पॉइंटर को उधर उधर मूव कर रहा हूँ कीबोर्ड, ये माउस की तरह माउस से ही हो रहा है। इट इज डिजाइन टू यू बी यूज ऑन अ फ्लैट सर्फेस एंड जनरली हैज लेफ्ट एंड राइट बटन एंड अ स्क्रॉल व्हील यूटेन। ये जो है एक फ्लैट सर्फेस पे यूज करने के लिए बनाई गई है, इसमें दो बटने होती हैं लेफ्ट एंड राइट, और एक बीच में बटन होती है जिसको स्क्रॉल व्हील कहते हैं, ये ऊपर से नीचे स्क्रॉल करने के लिए। लैपटॉप कंप्यूटर सम विद अ टच पैड दैट बॉक्स एज अ माउस, कुछ लैपटॉप आप देखोगे जिसमें ये माउस का काम एक टच पैड करता है। इट लेट्स यू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर आर पॉइंटर बाय मूविंग योर फिंगर्स ओवर द टच पैड, तो जो ये लैपटॉप होते हैं उसमें ये ऑटोमेटिक उसमें इनबिल्ट रहता है, तो वो एक टच पैड होता है उसी पे बस अपनी फिंगर आप मूव करो और बस वो टच पैड पे काम करता है माउस की तरह, तो ये लैपटॉप में होता है। हालांकि यदि आपके पास पीसी है तो उसमें माउस लगाना पड़ेगा। सम माउस कम्स विद इंटीग्रेटेड फीचर्स सच एज एक्स्ट्रा बटन्स टू परफॉर्म डिफरेंट बटन्स। द माउस वॉज इन्वेंटेड बाई डगलस सी इंगल बॉट इन 1963, माउस जो था इन्वेंट किया गया था 1963 में किसके द्वारा, डगलस सी इंजल बॉट, ठीक है। अर्ली माउस हैड ए रोलर बाल इंटीग्रेटेड एज अ मूवमेंट सेंसर अंडरनीथ द डिवाइस, मॉडर्न माउस डिवाइस कम विद ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी दैट कंट्रोल्स कर्सर मूवमेंट बाई ए विजिबल आर इनविजिबल। तो यहाँ पे कंप्यूटर की जो माउस की डेवलपमेंट के बारे में बताया जा रहा है। माउस के भी कई तरीके के होते हैं, तो देख लीजिए किस कैसे कैसे माउस आते हैं। एक होता है ट्रैक बाल माउस, ट्रैक बाल माउस यूज किए जाते हैं आपके गेमिंग में, ठीक है। ट्रैक बाल माउस इसमें जो है ये लगी रहती है बटन जैसी, ठीक है, इसमें जो है आप घुमा सकते हो, ये दरअसल गेमिंग का तरीके के लिए होता है, ठीक है। ये ट्रैक बाल माउस होता है, इट इज स्टेशनरी इनपुट डिवाइस दैट हैज बाल मैकेनिज्म टू मूव द पॉइंटर, इसमें जो है बाल होता है, इसमें स्क्रॉल व्हील नहीं होता है, इसमें बॉल होता है इसको मूव करने के लिए, स्क्रॉल व्हील की जगह आजकल के जो माउस होते हैं उसकी जगह पे स्क्रॉल व्हील होता है। द बाल इज हाफ इंसर्टेड इन द डिवाइस, ये जो बाल है ना ये हाफ इंसर्ट होता है इस डिवाइस के अंदर, हाफ निकला होता है ऊपर, उसको मूव करो तो कर्सर आपका घूमता है। और ट्रैक बाल की हिस्ट्री यदि देखोगे तो ट्रैक बाल की हिस्ट्री ये है कि पहले मैकेनिकल माउस आते थे, फिर ऑप्टिकल माउस आने लगे, तो ये ऐसे दिखने लगे, पहले आते थे ऐसे मैकेनिकल माउस, ठीक है, और फिर आए ऑप्टिकल माउस। यदि इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जरूर एक बार चेकआउट तो जरूर करें बुक के बारे में। तो फिर उसके बाद मैकेनिकल माउस, उसके बाद फिर आए आपके कॉर्डलेस या वायरलेस माउस। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, ट्रैक बाल जो माउस है उनकी हिस्ट्री, ठीक है। तो फर्स्ट जो ट्रैक बाल डिवाइस थी, फर्स्ट ट्रैक बाल जो डिवाइस थी वो इन्वेंट की गई थी राफ बेंजामिन के द्वारा 1946 में, ठीक है। सबसे पहले आए थे मैकेनिकल माउस, वो ऐसे होते थे, फिर आए थे ऑप्टिकल माउस जो आजकल आप देखते हो गई ऑप्टिकल माउस है, फिर कार्डलेस आर वायरलेस माउस आए। कॉर्ड मीन्स होता है रस्सी, तो इसमें मतलब ये है कि आपका जो तार है इसमें केबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये वाईफाई के द्वारा या ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट हो जाते हैं आपके पीसी से, तो ये वायरलेस माउस है। अब जो है माउस की कुछ खास बातें जान लीजिए, इसमें एक होती है लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन को हम प्राइमरी बटन कहते हैं। लेफ्ट बटन का काम होता है, लेफ्ट बटन यूज टू ओपन क्लोज मिनिमाइज ईटीसी, यानी कि किसी भी चीज को ओपन करने के लिए, उसको बंद करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए फाइल आइकन को लेफ्ट बटन का उपयोग करते हैं माउस में, लेफ्ट बटन का। राइट बटन का यूज होता है, राइट बटन को हम कहते हैं सेकेंडरी बटन, थ्रू इट्स यूज वी गेट टू नो अबाउट द वर्क डन विद फाइल्स आइकन्स। तो थर्ड होती है आपकी व्हील जो सेंटर पे होती है, और इसको स्क्रॉल बटन भी कहते हैं, इससे आप पेज को ऐसे ऊपर नीचे मूव भी कर सकते हो। तो तीन बटने होती हैं एक आपके माउस पे। अब यहाँ पे माउस के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी गई है, उसे भी पढ़ लीजिए। पीएस टू पोर्ट या यूएसबी पोर्ट एक मदरबोर्ड पे लगा रहता है। पीएस टू पोर्ट ये पहले होता था, पीएस2 पोर्ट या यूएसबी पोर्ट से हम मदरबोर्ड पे कनेक्ट करते हैं माउस को। वी कैन इंटरचेंज लेफ्ट राइट बटन, और जो लेफ्ट राइट बटन का जो काम है करने का उसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं एक दूसरे से, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाइए जॉयस्टिक पे, जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और ये फर्स्ट जॉयस्टिक इन्वेंट की गई थी सीबी मिरिक के द्वारा यूएस में, ठीक है, सीबी मिरिक के द्वारा
फर्स्ट जॉयस्टिक, ये देखिए गेमिंग के लिए उपयोग आती है, ठीक है, ये गेमिंग डिवाइस होती है जॉयस्टिक, ठीक है, जैसा कि नाम ही है जॉय, ठीक है, और स्टिक तो गेमिंग की छड़, खैर, और कंप्यूटर जॉयस्टिक पोर्ट्स, तो ये देखिए इससे कनेक्ट हो जाती है ब्लूटूथ से भी, गेम पोर्ट से भी, सीरियल पोर्ट से भी, यूएसबी से भी। अब आ जाओ नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, जिसका नाम है लाइट पेन। लाइट पेन देखिए एक डिटेक्टर होता है, मतलब एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप कोई स्क्रीन पर कोई चीज़ लिखोगे तो ये ऑटोमेटिक पढ़ लेता है कि आपने क्या लिखा। जैसे मान लीजिए आपका मॉनिटर है, उस पर भी आप हाथ से कुछ कीजिए तो कुछ नहीं होगा और उसमें चलेगा भी नहीं। लेकिन ये क्या होता है, तो देखो ये फर्स्ट जो लाइट पेन है, वो फर्स्ट लाइट पेन इन्वेंट किया गया था 1955 में एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड विंड प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, और ये MIT के द्वारा, MIT आप जानते हो क्या यूनिवर्सिटी है। तो ये लाइट पेन होता है, इसमें आप स्क्रीन पे जो भी लिखोगे ये लिख जाएगा, ठीक है, ये लाइट सेंसिटिव होता है, उसी के कारण ये रीड कर लेता है कि आपने स्क्रीन पे क्या लिखा है। फिर नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है स्कैनर। स्कैनर देखिए कई तरीके के होते हैं, एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर, ठीक है, ये फ्लैट बेड स्कैनर है, एक होता है हैंड हेल्ड स्कैनर, ये हाथ में पकड़ करके आप स्कैन कर सकते हो कोई भी बार कोड या कुछ भी। एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर, इसमें आप रख करके किसी को स्कैन करोगे कागज या डॉक्यूमेंट को। फिर एक होता है सीट पैड स्कैनर, ठीक है, इनके बारे में डिटेल में यदि आप पढ़ना चाहो तो इस बुक को परचेज कर सकते हो, ठीक है, और ये बुक आपको डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेकआउट करें, मैंने सब लिखा हुआ है, बुक को बस आपको परचेज करना है। एक है फिर आपका नेक्स्ट आता है ड्रम स्कैनर, तो ये ड्रम स्कैनर है। फिर आपका आता है फोटो स्कैनर, ये आपका फोटो स्कैनर हो गया, ठीक है, इसमें आपकी फोटो स्कैन होती हैं। और स्कैनर की बाइंग करने की कुछ गाइड यहाँ पे दी गई है कि स्कैनर आपको कैसा बाय करना चाहिए, कॉस्ट बताई गई है, यू मे बी वर्किंग ऑन अ टाइट बजट सो चेकिंग ऑन इट्स कॉस्ट इट बजट बिटल द प्राइस कैन बी डिटरमाइंड बाय द स्पीड एंड रिजोल्यूशन रेट ऑफ आवर प्रिंटर। कितनी स्पीड से आपका प्रिंटर प्रिंट करता है और रिजोल्यूशन क्या रहता है, रेट क्या रहता है, इस पर आपकी कॉस्ट जो है डिपेंड करती है। इट इज़ ट्रू स्कैनर्स विद क्वालिटी स्कैनिंग एंड हाई रेजोल्यूशन रेस्ट टेन टू कॉस्ट हाई। देखिए जैसे ही इनकी जिनकी जो स्पीड और हाई रेजोल्यूशन बढ़ेगा, इनका कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा, किनका, स्कैनर का या प्रिंटर का, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैनर खरीदने के पहले आपको कुछ गाइड यहाँ पे दिए गए हैं, कॉस्ट स्पीड रिजोल्यूशन रेट के बारे में दिया गया है। रिजोल्यूशन जो रेट है आपका मापा जाता है, मेजर किया जाता है DPI में, डॉट पर इंच में, DPI में, ठीक है। और ज़्यादा जानना हो तो फिर आप बुक परचेज कर सकते हो, मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा। और यहाँ पे जो है कंक्लूजन भी दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे बहुत तरीके के स्कैनर दिए गए हैं, देख लीजिए क्या क्या है। एक होता है आपका MICR, MICR होता है स्कैनर, ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर रिकॉग्निशन होता है। क्या इसका काम होता है, किसी भी मैग्नेटिक स्ट्रिप को पढ़ना। आपने कई सारे डॉक्यूमेंट देखे होंगे जिसमें होलो मार्क लगा रहता है, तो उनको पढ़ने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है, मैग्नेटिक इंक रीडर रिकॉग्निशन, ठीक है, MICR ये होता है स्कैनर। फिर आ जाता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस इज डिजाइन टू कन्वर्ट द स्कैंड इमेजेस ऑफ हैंड रिटन टाइप डॉट प्रिंटेड। तो देखो इसमें क्या है कि आपका कोई भी यदि आपने हाथ से लिखा है कोई भी डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए OCR का उपयोग किया जाता है, जिसको हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहते हैं। ये किसी भी टेक्स्ट को या फिर कोई भी प्रिंटर आपको हैंड रिटन टेक्स्ट है या बुक है उसको रीड करने के लिए उपयोग किया जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर को, ठीक है। और ये है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर। खैर अब आ जाते हैं OMR पे। OMR क्या होता है, OMR होता है जैसे आपने एग्जाम दिए होंगे तो उसमें OMR सीट होती है, तो OMR सीट जो है उसको मतलब कि कितने नंबर दिए जाए तो उसमें कोई चेक नहीं करता है, उसके लिए जो कंप्यूटर होता है तो वो ऑटोमेटिक, आप अपनी वहाँ पे कॉपी रखो तो वो ऑटोमेटिक बता देता है आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं कितने क्वेश्चन रॉन्ग है। और उसमें पहले ही सेट कर दिया जाता है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है, ये क्वेश्चन का आंसर ये है, तब वो कर पाता है, ये डिसीजन ले पाता है। ऐसे ही नहीं कि वो गूगल है, गूगल नहीं है उसको, दरअसल आंसर उसको दरअसल आंसर पहले ही बता दिए जाते हैं कि ये आंसर है। इसके आधार पर OMR जो है काफी चेक कर देता है आपकी OMR सीट वाली, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका फुल फॉर्म है। फिर आ जाइए बार कोड रीडर पे। बार कोड रीडर होता है, आपने देखा होगा कई
आपने देखा होगा चीज़ें होती हैं उसमें इस तरीके से बारकोड बना रहता है, बिस्कुट या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें आपने इस तरीके से बारकोड बना देखा होगा। तो उसको पढ़ने के लिए उस बारकोड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट कास्ट, बैच नंबर, कंपनी का नाम, ये सारी इंफॉर्मेशन इस जो है कोड में लिखी रहती हैं। इसको स्कैन करने का काम बारकोड रीडर का होता है, ठीक है। फिर आ जाओ अपने डिजिटाइजर पे। डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है, इसके जरिए हम देखिए ये इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है। इसमें एक तरीके का पैड होता है, उस पर आप जो भी लिखोगे, जो भी आप करोगे वो आपकी स्क्रीन पे बनता जाएगा, तो ये बढ़िया है। फिर आ जाओ डिजिटल कैमरा पे। डिजिटल कैमरा आपको सबको पता है, इसका काम फोटो खींचना या वीडियो बनाना होता है, ठीक है, और बढ़िया फोटो बनती है इसमें और वीडियो बनता है। फिर आ जाओ पैडल पे। पैडल जो है एक तरीके का गेमिंग डिवाइस है, लेकिन ये इनपुट डिवाइस है, गेमर्स यूज करते हैं, ठीक है, पैडल। फिर आ जाओ स्टीयरिंग व्हील पे। ये स्टीयरिंग व्हील भी एक गेमिंग डिवाइस है। कई सारे गेमर्स को जो है एकदम रियल मज़ा चाहिए होता है गेमिंग में, कि हम कार रियल में चला रहे हो, तो वो स्टीयरिंग व्हील मंगा लेते हैं। उसके बाद उनको मॉनिटर में यदि कोई कार चलाएंगे तो उनको रियल में फील आएगा, जैसे आप स्टीयरिंग घुमाओगे वैसे ही आउटपुट मिलेगा, वैसे ही सीपीयू में इंस्ट्रक्शन जाएंगी और आपको रियल मज़ा आएगा स्टीयरिंग व्हील के द्वारा गेमर्स को। खैर नेक्स्ट अब आ जाते हैं गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस। दिस डिवाइसेस टेक ह्यूमन गेस्चर एज इनपुट, देयर आर मैनी सच डिवाइस दैट रिस्पॉन्ड टू गेस्चर। ये गेस्चर डिवाइस क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल किनेक्ट इज वन डिवाइस दैट ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ प्लेयर्स बॉडी एंड इंटरप्रेट्स दैट मूवमेंट्स एज इनपुट टू वीडियो गेम। देखिए ये गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस क्या होती है कि आप कोई भी गेम खेल रहे हो, आपके द्वारा कोई भी मूवमेंट किया जा रहा है, जैसे आप हिल रहे हो, जैसे आप कुछ कर रहे हो, तो उस गेम में आपका रिएक्शन दिखाने के लिए आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे मूवमेंट कर रहे हो, इसके लिए आपको गेस्चर को पढ़ने के लिए जो है गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस का उपयोग किया जाता है, जो आपको गेम पर इफेक्ट डालता है और आपके गेम को एक सही कमांड देता है, जैसे आप बिहेव करते हो। गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस को हम कहते हैं। फिर आ जाओ लाइट गन के। लाइट गन भी एक तरीके की गन होती है, जिसमें आप मान लीजिए कोई गेम ऐसा है जिसमें बंदूक चलाने की ज़रूरत है, तो लाइट गन का आप उपयोग कर सकते हो, जिससे आपको रियल वाला फील आएगा। फिर आ जाओ टच पैड पे। तो ये टच पैड देखिए माउस की तरह ही होता है, मैंने आपको बताया था ये आपके लैपटॉप पे लगा रहता है, ठीक है। टच पैड ये माउस का काम करता है आपके लैपटॉप पे, और ये उसी में इनबिल्ट रहता है और वही फीचर्स होते हैं जैसे कि आपके माउस में एक होते हैं। फिर आ जाओ रिमोट में। रिमोट का आविष्कार इन्वेंट किया गया था डॉक्टर रॉबर्ट अल्डर ऑफ जेनिथ इन 1956। तो ये टीवी रिमोट है, ठीक है, ये भी एक इनपुट है। फिर आ जाओ टच स्क्रीन पे। तो आजकल आप देखते हो बहुत सारी डिवाइसेस सब टच स्क्रीन पे चलती हैं, ठीक है। और फर्स्ट इंट्रोड्यूस एंड पब्लिश्ड बाई ई ए जॉनसन इन 1965। और पहली जो टच स्क्रीन डेवलप की गई थी वो 1970 की तरफ डेवलप की गई थी, ठीक है। और इनके बारे में डिटेल यदि आपको पढ़ना हो तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको चाहो तो आप पढ़ सकते हो डिटेल में, बुक परचेज करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप परचेज कर सकते हो। खैर नेक्स्ट पे आ जाओ वीआर पे। वीआर होता है वर्चुअल रियलिटी। जैसे मान लीजिए अभी जो आने वाली टेक्नोलॉजी है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ट्रिपल सी एडवांस कोर्स, लेकिन मैं एडवांस टेक्नोलॉजी को भी जानता हूँ। तो अभी आने वाली टेक्नोलॉजी है वर्चुअल रियलिटी की, यानी कि मेटावर्स की। तो मेटावर्स में बहुत सारी चीज़ें आपके एकदम वर्चुअल दुनिया में होंगी, यानी कि जो काम आप रियल दुनिया में करते हो वही काम वर्चुअल दुनिया में करोगे। मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ आने वाली है जिसमें आप मेटावर्स में रहा करोगे। तो ये एक वर्चुअल रियलिटी आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगी, यानी कि बियॉन्ड द यूनिवर्स। तो ये हालांकि इस पर मैं अलग चर्चा करूँगा किसी वीडियो में। माइक्रोफोन आपके कई तरीके के होते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन तो आप जानते हो सब, ये साउंड आपकी आवाज़ को बोलने के लिए। तो ये डायनेमिक माइक्रोफोन होते हैं, ये कंडेंसर माइक्रोफोन होते हैं, ये रिबन माइक्रोफोन होते हैं। अब आ जाओ बायोमेट्रिक सेंसर्स पे। तो बायोमेट्रिक सेंसर की बात की जाए तो ये वो सेंसर होते हैं जो आपके द्वारा बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को स्कैन करते हैं। जैसे अब देखिए बहुत सारे बायोमेट्रिक चीज़ें होती हैं, जैसे आपका फेस स्कैन करना हो गया, फेस स्कैनर भी आते हैं जिसमें आपका क्या होता है कि लाख जैसे आपने लगा दिया कि फेस से ही खुलेगा, तो आप जब जाओगे उसके सामने तो आपका फेस स्कैन होगा, उसके बाद वो लाख खुल जाएगा, फेस स्कैनर आते हैं। फिर आते हैं हैंड स्कैनर, तो हैंड की उंगलियों के उंगलियों से उसके प्रिंट लिए जाते हैं, ये होते हैं हैंड स्कैनर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। फिर आ जाते हैं फिंगर प्रिंट स्कैनर, इससे आप प्रिंट फिंगर रखते हो लॉक आपका खुल जाता है, ये होता है फिंगर प्रिंट स्कैनर।
फिर आ जाता है आपका रेटिना स्कैनर। रेटिना क्या होता है? रेटिना हमारे जो आँख है, जो आई है, उसका मेन पार्ट होता है। क्या होता है? रेटिना। रेटिना यहाँ पे होती है, ठीक है, ये दिखाई गई है। ये रेटिना को स्कैन करता है, और हर आँख की जो रेटिना है वो अलग अलग होती है, ठीक है, हर आँख की रेटिना अलग अलग होती है। उसको पढ़ता है, स्कैन करता है, और ये जो है स्कैन कर लेता है रेटिना को देख करके आपकी आँख को, कि आप ही हो या नहीं हो। तो इस तरीके के बहुत सारे स्कैनर आते हैं जो आपकी बॉडी को स्कैन करते हैं, उसके बाद उस लॉक को कहीं उसको यूज हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि लॉक ही हो। फिर आता है वॉइस स्कैनर। एक लॉक ऐसा भी लगता है जिसमें आपको वॉइस, जब आप बोलोगे तो आपकी वॉइस से ही वो लॉक खुलेगा। तो वॉइस स्कैनर, हालांकि इसके आपको लग रहा होगा कि बहुत ही सेफ है, हालांकि इसके इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। जैसे वॉइस स्कैनर में मान लीजिए किसी दूसरे की वॉइस आवाज हुई, उसकी सेम आवाज है, तो वो खोल देगा लॉक। तो ये कुछ इसके लूप होल्स भी है। जैसे मैं यहाँ पे अगर सबका चाहूँ तो आपको मैं सबका लूप होल्स बता सकता हूँ। जैसे मान लीजिए वॉइस स्कैनर, इसमें मान लीजिए कोई दूसरे की आवाज उसकी भी सेम है तो वो भी खोल देगा लॉक। रेटिना की बात कर लीजिए, रेटिना एक मान लीजिए आर्टिफिशियल बना दी गई तो फिर उससे भी खुल जाएगा। ऐसा है क्या इस दुनिया में जो हो नहीं सकता, ठीक है। तो हर चीज़ का, जैसे मान लीजिए एप्पल का शुरुआत में जब फोन आया था तो उसमें कहा था कि फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये है, वो है, और थोड़ी देर बाद पता चला कि आदमी दूसरे की स्कैनर मतलब रबड़ का बना करके फिंगर लगा दिया, लॉक खुल गया। तो ये सब लूप होल्स होते हैं, हालांकि उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, साइबर सिक्योरिटी का विषय हटाइए। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम, कैमरा, वेब कैमरा एंड ब्रीफ हिस्ट्री। देखिए कैमरा होते हैं आपके साधारण कैमरा, और वेब कैमरा होते हैं जो वेबकास्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जिससे इंटरनेट से हम बातें करते हैं। अब आ जाते हैं हम मॉडेम और कैमरा, वेब कैमरा आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मॉडेम और रूटर पे, ठीक है। मॉडेम क्या होता है, रूटर क्या होता है? मॉडेम ये देखिए ऐसा है और रूटर ये ऐसा है, ठीक है। मॉडेम और रूटर, मॉडेम, अब मॉडेम इज अ डिवाइस दैट मॉड्यूलेट्स और डिमोड्यूलेट्स द सिग्नल्स। इट मेंटेन्स अ डेडिकेशन कनेक्टेड विद द ISP टू गेट द इंटरनेट कनेक्शन फॉर होम और बिजनेस। मॉडेम एक डिवाइस होती है जो आपके ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा आपको जो है इंटरनेट कनेक्शन आपके होम या बिजनेस के लिए प्रोवाइड करता है। मॉडेम, मॉडेम का काम ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपने घर में एक मॉडेम लगवा लिया, तो जो उसमें आप सिम डाल दिए, जैसे मान लीजिए जियो की आप सिम डाल दिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है? जियो। उसमें जब सिम डाल दिए तो पूरे घर में वो कनेक्शन प्रदान करेगा इंटरनेट का, तो इसे हम कहते हैं मॉडेम, समझ गए। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, यदि मॉडेम के बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो आप चाहो तो इस बुक को परचेज कर सकते हो, मैंने सारा कुछ लिख रखा है, ठीक है, और स्क्रीन शॉट चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो। तो ये है मॉडेम, ठीक है। तो मॉडेम देखिए किस तरीके से काम करता है। मॉडेम जो है आपके द्वारा, देखिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, ठीक है। पहले डिजिटल सिग्नल जो है कंप्यूटर से निकलता है, फिर मॉडेम तक जाता है, मॉडेम से जा करके एनालॉग सिग्नल बन जाता है। हालांकि मॉडेम और रूटर या वाईफाई की हैकिंग है तो ये सारी कैसे होती हैं और कैसे ही काम करती हैं, इसके लिए पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क आपको समझना पड़ेगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो, अलग वीडियो का सब्जेक्ट है, उस पर अभी हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब बात आ जाती है रूटर की। रूटर क्या होता है? एज द एज इट्स नेम सजेस्ट, द रूटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग द डेटा पैकेट्स। देखिए जो हमारा डेटा होता है ना वाईफाई या रूटर या मॉडेम में, तो हमारा डेटा पैकेट्स में मूव करता है, पैकेट्स में, ठीक है, छोटे पैकेट्स में मूव करता है। हालांकि बस आप अभी इतना समझ लीजिए कि पैकेट्स में मूव करता है डेटा हमारा। एज इट्स नेम सजेस्ट, द रूटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग द डेटा पैकेट्स फ्रॉम सोर्सेज टू डेस्टिनेशन ओवर नेटवर्क। डेटा पैकेट्स में एक सोर्स से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में एक नेटवर्क के द्वारा ये रिस्पॉन्सिबल होता है रूटर। रूटर क्या होता है कि मान लीजिए आपका जो डेटा है वो पैकेट्स में एक से दूसरी मंजिल तक पहुंच रहा है एक नेटवर्क के द्वारा। अब नेटवर्क आपका किसी भी तरीके का हो सकता है जो पैकेट्स पहुँच रहे हैं। इट डिस्ट्रीब्यूशन आर रूट्स द इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम द मॉडेम टू ऑल द नेटवर्किंग डिवाइसेस आइदर वायर्ड और वायरलेस सच एज PC लैपटॉप मोबाइल फोन टैबलेट। देखिए क्या करता है ये, दरअसल मॉडेम के द्वारा जो भी मतलब मॉडेम से निकल रहा है इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे जितने भी नेटवर्क में एक डिवाइसेस कनेक्ट हुए हैं, जैसे PC लैपटॉप आपका जो भी घर में है, तो सारे रूट करता है, डेटा को रूट करता है। तो ये होता है हमारा रूटर। इट ऑल्सो इनेबल्स मल्टीपल डिवाइसेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द नेटवर्क, सेम नेटवर्क, और बहुत सारी डिवाइसेज को एक सेम नेटवर्क में कनेक्ट करके उसको कम्युनिकेट करने के लिए रूटर का उपयोग किया जाता है।
In the early days, there were only single computer system in homes. Nowadays, multiple devices need the internet to work on. So, to provide internet connectivity to all available devices within the home. देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पहले सिंगल कंप्यूटर हुआ करता था एक घर में, लेकिन आज एक घर में बहुत सारी डिवाइसेज होती हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, तो उनको अलग अलग रूटर अलग अलग इंटरनेट कनेक्टिविटी दिलाता है और कम्युनिकेट करवाता है। तो ये रूटर होता है। रूटर कैसे वर्क करता है, रूटर कितने टाइप्स के होते हैं, यदि आपको डिटेल में चाहिए तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार चेकआउट तो ज़रूर ही करें। अब बात कर लेते हैं रूटर हमारा वर्क कैसे करता है। रूटर देखो ऐसे वर्क करता है, रूटर देखो डिवाइस, जैसे कंप्यूटर था पहले, उसके बाद सीधे मॉडम आ रहा था, लेकिन इस बार क्या है, बीच में रूटर आ गया, ठीक है। और ये चीज़ आपको डिटेल में तब समझ आएगी जब मैं एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि वाईफाई मतलब कैसे काम करता है, वाईफाई के लूप होल्स क्या हैं, कैसे हैकर्स एक वाईफाई को हैक कर लेते हैं और कैसे सारा कुछ किया जाता है। ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट वीडियो में बताऊंगा डिटेल में, तब आपको ये रूटर वाईफाई ब्लूटूथ ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही डिटेल में क्लियर हो जाएंगे। खैर अभी आप इतना समझ लीजिए कि डिवाइस से कनेक्ट होता है रूटर, रूटर से कनेक्ट होता है मॉडेम और मॉडेम से कनेक्ट होता है आपका इंटरनेट, और इसमें दरअसल प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क का है चमेला, कुल मिलाकर बस इतना है। द सीरियल पोर्ट ऑफ अ कंप्यूटर आर टर्मिनल इज डिजाइंड एंड इंटेंडेड टू कनेक्ट टू द मॉडेम। क्या मतलब हुआ, एक सीरियल पोर्ट आपके कंप्यूटर में होता है, वो कनेक्ट करता है आपके मॉडेम को, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैंने इस वीडियो में जो है रूटर और मॉडेम पे बस आपको ऊपर ऊपर से बताया है, मोटी मोटी बातें बताई हैं, डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक नया वीडियो किसी दिन लाएंगे जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे वाईफाई में लूपहोल्स होते हैं और कैसे एक हैकर्स उनको हैक कर लेते हैं। खैर ये नेक्स्ट अलग टॉपिक है, और अभी मैंने आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें बताई, इस पर एक सेपरेट डिटेल वीडियो आएगा। हालांकि आज आपने समझा कि कितनी तरीके के इनपुट डिवाइसेस होती हैं, मैंने आपको बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया। वीडियो यदि अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। जितने भी ज़रूरतमंद लोग हों सबको शेयर करें, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ही।